अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ एफ़ी व्लॉगर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज मैं भी NPTS पहुंच गया हूँ खेलने के लिए ना। और कल यार कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ मेरे साथ। और वो ये हुआ कि कल खेलते हुए जो ना लड़के का सर लगा है मेरे ये दांत के सामने, तो ये वाला दांत जो है ना ये जगह से हिल गया। तो हिल गया तो जिस वजह से अभी वो कुछ खाया नहीं जा रहा। कल पूरा दिन कुछ नहीं खाया तो बुरा हाल हुआ पड़ा हुआ भूख से। ठीक तो यार, और बस एक यही बुरी खबर थी। बाकी यार आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं, सारे ठीक ठाक हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताया कर। जाएंगे टूर्नामेंट लगाया था, चार टीमें थी, दो इन्हें एक कोर्ट पे खेला, दो ने एक कोर्ट पे खेला, जो दो जीती उनका फाइनल हुआ, हम लोग जीते। अभी घर जाते हैं यार, थक गए हैं, जाके देखता हूँ कुछ खाया जाए। यार मेरे दांत में बहुत दर्द, आज फिर लड़के की कोनी लग गई, दांत फिर हिल गया। तो ना यार अभी जाते हैं, जाके रेस्ट करते हैं, फिर बाकी का जो होगा चेंज होंगे वो आपको दिखाएंगे। तो यार आज वैसे रबी अव्वल है, 12 रबी अव्वल है, तो कल रात ही और आज दिन है रबी अव्वल का ना, तो मैं लगाने लगूँ लाइटें। तो यार लेट हो गया इस बार थोड़ा सा, नहीं तो पहले मैं जल्दी लगा लेता था। इस बार कुछ मसरूफियात की वजह से, कॉलेज थे इस वजह से याद नहीं था, तो आज दिन में आया। तो अभी मैं इधर गैलरी में लाइटें लगाने लगूँ, तो और उसके बाद ग्लोब लगाएंगे एक, और बस यही है कुछ। तो दिखाता हूँ आपको मैं साथ साथ थोड़ा सा, बाकी काम करते हैं और जब फाइनल हो जाएगा तब दिखाऊँगा आपको। भाई अभी हम जा रहे हैं जुलूस में ना, इमाम आज़म मस्जिद है उसमें, उधर उसके साथ जुलूस हम कराएंगे।
ये इस बार हमने कहा इस मस्जिद का ट्राई करते हैं। अब तो ये पता नहीं निकल चुका है कि है अभी निकल रहा है नहीं पता। बाकी अभी पढ़ते हैं माश माश होते हैं जोर की भी, तो उसके बाद देखते हैं, फिर आपके साथ मिलते हैं। देख रहे हैं हुजूर अपने गुलामों को जानते भी हैं, तो आप जो निकले हैं इस गर्मी के मौसम में हुजूर की मोहब्बत में, इंशाअल्लाह आपको महरूम नहीं रखा जाएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह से और हुजूर जामिया मस्जिद गुलशन जमाल की इंतज़ामिया और बिलखसूस इमाम साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमें अपने नूरानी और इरफानी बयान से मुस्तफ़ीद फरमाया। अल्लाह पाक इमाम साहब को दुनिया और आखरत की ढेरों ढेर भलाइयाँ नसीब फरमाए। किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा दीवानों बोलो मरहबा बोलो मरहबा। जो गिर रहे थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया, जो गिर चुके हैं ये इतने आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। कौन नहीं जानता कि आमद से उस अंदाज से बात नहीं करता, अपने महबूब के साथ बात करने का तरीका बदल जाता है, अंदाज बदल जाता है, वो अंदाज वो आम लोगों के साथ आम इस्तेमाल ही नहीं करता, आम लोगों के साथ उस गुफ्तगू से बात ही नहीं करता, बल्कि उनका लहजा और महबूब के साथ लहजा और। अगर यही बात मालिक कायनात की जाए, उस मालिक कायनात की जाए, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने प्यारे महबूब से किस तरह कलाम करता होगा, उस कलाम की मिसाल क्या दे। तो यार आप लोग देख रहे हो कितनी भीड़ है, यही होता है इश्क़ रसूल, और ये सामने सामने जो ये इश्क़ रसूल आ रहे हैं, पीछे ये सब कुछ हो रहा है, वो देखो पापड़ों का। इतना सीधा ऊपर से होके आ रहे हैं ना हम लोग, यहाँ से निकल
जाते हैं, नहीं नहीं वो आगे से जा रहे हैं, वो आगे से मिलेनियम के सीधे से होके जाएंगे हम लोग यहीं से। भाई किधर खड़ा है ना, भाई किधर खड़ा है, इधर ही खड़ा किया था वहां से पढ़ा भी थे। तो यार ये था जुलूस सारा, और ये आगे निकलेगा इधर मिलेनियम की तरफ से, मिलेनियम की साथ ही ऊपर से होके आएगा। तो यार हमारी तो बस हो गई है, तो बाकी इंशाल्लाह ताला, और क्या कहते हैं इंतज़ामिया भी थोड़ी देर के लिए हम लोग बने थे, वो जो मौके के हिसाब से इंतज़ामिया बने थे, तो अब बस ख़त्म, यहाँ पे खड़ी हो गई और ऊपर से होके आएगी, हम लोग यहाँ से जो ना घर को निकल जाएंगे बस। तो गाइस यार अभी जाके बाकी का जो दिन है वो जैसा गुजरेगा वो भी आपको दिखाएंगे, और फिलहाल तो ये 12 रबी अव्वल स्पेशल का ब्लॉग जा रहा है अभी तक, तो बाकी कोई स्पेशल चीज़ होती है तो वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे, मैं वापस आ चुका हूँ, ये बाइक पे हम लोग बैठ चुके हैं, बाइक इधर खड़ा किया था, तो अभी जाएँगे कॉलोनी, कॉलोनी जाएँगे किधर जाएँगे, कॉलोनी ही जाएँगे, तो कॉलोनी जा कर देखते हैं शायद कोई क्रिकेट का प्लान हो तो एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करना है। और यार धूप की वजह से काली आ जाती है तो सही, आप दोबारा, हाँ ठीक आ रही है। यार ये मैंने जो घर पे लाइटें लगाई थी वो ये हैं सारी लगी हुई, कुछ अपनी तरफ से जितना बेहतर कर सकता था उतना बेहतर किया मैंने, तो उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा। बाहर से व्यू नहीं मैंने देखा, बाहर ये नीचे भी एक जगह लगी हुई है लाइटें, बाकी जो मैंने गली में बनाया वो भी दिखा देते हैं आपको, गली में जो ऊपर छत पे लगाया वो भी, गली का अच्छा व्यू आ रहा है वो भी दिखाता हूँ। तो यार ये लगा मैं ग्लोब, और ये इसका नीचे कुछ व्यूज़ आपको आ ही रहा होगा नज़र, कुछ 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 छत भी होना, तो इतना कोई ख़ास नहीं नज़र आ रहा, ये दीवार पे ब्लॉक पे सही नज़र आ रहा है, ये लाइटें भी लगी हैं नीचे, ये सामने भी लाइटें लगी हैं, एक ग्लोब वो उधर आगे लगा है वो भी दिखाता हूँ, बाकी गली के अंदर जो लोगों ने लाइटिंग की भी है वो भी है, वो आगे भी लोगों ने की हुई है, ये भी सामने ये ग्लोब की जो रोशनी जा रही है। ये है सारा इसका सिस्टम, बाकी ये एक ने लाइटिंग की हुई है, काफ़ी अच्छा व्यू बना हुआ है। एक और लगाना था यार पर वो ख़राब हो गया, वो दोपहर तक सही चल रहा था पर वो ख़राब हो गया ना, वो अब एक ही बचा है, पर यह है कि इधर जिस तरह लोगों ने लगाए हुए हैं तो उस हिसाब से फिर गली जो है ना वो ठीक मतलब सजी सजी लग रही है। तो भाई यार यही था व्लॉग आज का, और अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी गाइस यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।